द कश्मीर फाइल्स। फ्रेंड्स, ये मूवी इस साल की बेहद ही हिट मूवी है और ये अब OTT पे रिलीज हो चुकी है, Z5 पे रिलीज हो चुकी है। और ये मूवी अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। 1990 में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ उस पे ये मूवी बेस्ड है। प्लॉट दिखाया गया है तो ये दो एरा में चलता है, 2020 में और वहां से फ्लैशबैक में ये 1990 में जाता है जहां पर ये जेनोसाइड हुआ। तो मूवी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो JNU स्टूडेंट दिखाया है, तो उसकी नजरों से, उसकी आंखों से इस मूवी को दिखाया गया है। वो 2020 में दो विचारधाराओं के बीच में फंसा हुआ है, उसके दिमाग में काफी कंफ्यूजन है कि कश्मीर में क्या हुआ होगा, और ये बात वो मूवी में डिस्कवर करता है फिर अपने एक्सपीरियंसेस से कि सच क्या है। और इस मूवी में मैं कहूंगा कि डायरेक्टर ने कोई लिबर्टीज नहीं ली है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, बिल्कुल सच दिखाया है और चीजों की, घटनाओं की बिल्कुल करेक्ट प्रेजेंटेशन की है, जहां पर कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया है। और ये मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं है, हर मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं होती, और मैं ये कहूंगा कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए। इट्स ए मस्ट वॉच मूवी, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर योर अवेयरनेस। इंडिया में क्या हुआ, क्या होता है, उसकी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए ये जानना जरूरी है, मूवी देखना जरूरी है, कश्मीर के पास्ट को समझने के लिए, प्रेजेंट को समझने के लिए, इंडिया की, कश्मीर की हिस्ट्री को जानने के लिए ये मूवी को देखना जरूरी है। और मैं कहूँगा यंग जनरेशन को तो खास तौर से ये मूवी देखनी चाहिए। और मूवी में जो एक बात मैंने नोट की, मुझे लगा था कि मूवी में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वायलेंट से सीन्स हो गए, बट ऐसा नहीं है। मूवी में लिमिटेड वायलेंस ही दिखाई है और ज़्यादातर जो स्टोरी प्रेजेंट की है तो वो बातचीत के जरिए, स्टोरी टेलिंग के जरिए प्रेजेंट की गई है, जिस वजह से ये मूवी मैं कहूँगा कि ये एक फैमिली मूवी भी है, आप फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या नहीं देख पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बच्चे भी देख सकते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। इसमें वायलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू है। और हालांकि मूवी एक सीरियस मूवी है बट स्टिल आई थिंक ये एक बेहतरीन मूवी बनाई है डायरेक्टर ने और ये जरूर देखनी चाहिए। एक्टिंग भी सभी ने अच्छी की है इस मूवी में। और मैं इस मूवी को रेटिंग्स की जहां तक बात है तो रेटिंग्स नहीं दूंगा। उसका रीज़न है कि रेटिंग्स एक मूवी को दी जाती है और मेरे हिसाब से ये एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है। ये मूवी कश्मीरी पंडितों के साथ जो नाइंसाफी हुई उनके ऊपर बेस्ड है और इससे हमारे देश के कई लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। तो जहां पर ह्यूमन इमोशंस जुड़े हो किसी सच्ची घटना को लेके, तो ऐसी मूवी को आप रेटिंग्स नहीं दे सकते, जज नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा बायसनेस आ जाती है। तो इसलिए मैं इस मूवी को एज एन एक्सेप्शन कोई रेटिंग्स नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है डायरेक्टर ने और जो कि सबको देखनी चाहिए। इट्स डेफिनेटली ए मस्ट वॉच मूवी अकॉर्डिंग टू मी। और आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो अब आप इसको OTT पे Z5 पे देख सकते हैं। आप जरूर देखिए, इसको एक बार जरूर देखिए।